ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हाय गाइस, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड कैसे यूज किया जाता है, उन्हें हम कैसे पहचानते हैं, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। गाइस, दुनिया का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि कब, कहां, कैसे, क्यों, कहां से, कितनी देर से, कितनी देर तक, कब तक, कितनी, किससे, कितने लोग, इस तरह के जितने भी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, इन्हें हम WH वर्ड्स की कैटेगरी में रखते हैं। इन्हें अगर हम दूसरे रूप में कहें तो इन्हें हम WH फैमिली भी कह सकते हैं। आज हम इसी तरह के WH वर्ड्स को एक फैमिली के रूप में आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें आपको बहुत अच्छे से याद करना है, अपने नोट्स तैयार करना है। धीरे धीरे आने वाले वीडियो लेक्चर में इनका हम यूज करना भी सीखेंगे, बट सबसे पहले आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करके इन्हें बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। किसी भी क्वेश्चंस में आता है कहाँ, तो कहाँ के लिए आपको क्या यूज करना है, कब से आता है तो कब से के लिए क्या यूज करना है, कितनी देर तक वर्ड आया है तो उसे कैसे यूज करना है। आया समझ में आपको? तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में WH वर्ड्स, WH फैमिली को ही पूरी तरह से लर्न करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट WH फैमिली वर्ड्स। अगर सेंटेंस में आता है क्या, क्या से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। क्या, इट मीन्स होता है व्हाट। सेंटेंस जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, तो क्या मीन्स हमने किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है कि आप क्या खाते हो, तो क्या यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। ओके, क्यों, क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई। कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, कैसे, हाउ, कौन, हु, कौन सी या कौन सा, विच, किसका, किसकी, हूज, किसे, किससे, किसको, हूम। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर बता रही हूं, अभी आपको सिर्फ इन WH फैमिली मेंबर्स को याद करना है, माइंड में सेट कर लेना है स्पेलिंग के साथ कि किस क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, आपको इसी सीरीज में आगे बता दिया जाएगा कि ये सेंटेंस फॉर्मेशन में कहां पर और कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने मीन्स हाउ मैनी। हाउ मैनी ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, वहां पर हम हाउ मैनी यूज करते हैं। गिनने का मतलब, सपोज करो आपके पास बहुत सारी बुक्स का ढेर लगा है, मैंने पूछा कितनी बुक्स हैं ये, तो वहां पर कितनी वर्ड, यानी कि आप बुक्स को काउंट करके मुझे बता सकते हो, तो ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सकता है वहां पर हम कितने वर्ड के लिए यूज करते हैं, हाउ मैनी। एज इट इज नेक्स्ट, कितने यानी हाउ मच, जिन्हें गिना ना जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा जाकर मिल्क लेकर आ जाओ, तो आप उनसे क्या बोलोगे कि मम्मी मिल्क कितना लेकर आना है, कितना, है ना, तो कितना, तो आप मिल्क काउंट करके लाओगे क्या? नहीं, मिल्क गिना नहीं जाता है, उसको आप लीटर में लेकर आओगे, 1 लीटर, हाफ लीटर, जो भी आपकी मदर बोलती है। तो ऐसी चीज जो गिनी ना जा सके उसको हम कहते हैं हाउ मच। राइस, अगर हम राइस लेने जाएंगे, शुगर लेने जाएंगे, तो वो हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है कब तक, अंटिल व्हेन, कब तक, कब से, सिंस व्हेन, कब से, फ्रॉम व्हेन, कब से, फॉर हाउ लॉन्ग,
आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कब से सिंस वैन भी याद करना है, कब से फ्रॉम वैन भी होता है और कब से फॉर हाउ लॉन्ग भी होता है। कब से के तीन तीन तरीके से हम बोलते हैं, तो इन सभी का यूज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में किया जाता है। जैसे जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे इनका यूज भी सीखते जाएंगे। अभी सिर्फ आपको अपने माइंड में याद रखना है कि कब से सिंस वैन भी बोला जाता है, फ्रॉम वैन भी लिखा जाता है और फॉर हाउ लॉन्ग भी कहा जाता है। अंडरस्टूड? किसके साथ, विथ होम, किसके लिए, फॉर होम, किसके बारे में, अबाउट होम, किसकी तरफ। जब किसी की तरफ के लिए बात आती है तो जनरली वर्ड यूज होता है टूवर्ड्स। होम किसी पर्सन के लिए बात हो रही है तो बोला जा रहा है किसकी तरफ, टूवर्ड्स होम, किसके द्वारा, बाय होम, कहां से, फ्रॉम वेयर, किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, व्हाट फॉर, कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी दूर, हाउ फार, कितना अच्छा, हाउ गुड, कितना लंबा, हाउ लॉन्ग, कितना पुराना, हाउ ओल्ड, कितनी जल्दी, हाउ सून, किस तरह से, इन व्हाट वे, किस तरह से, एट व्हाट वे, किस तरह से, एट व्हाट वे, और क्या, व्हाट एल्स, जो भी, व्हाट एवर, जो कुछ भी, व्हाट सो एवर, फिर क्या, व्हाट देन, किस तरह का, व्हाट टाइप ऑफ, जब कभी, व्हेन एवर, जब कभी, व्हेन सो एवर, व्हेन्स, कहां से या जहां से, जबकि, वेयर इज, जिसमें, वेयर इन, जो कुछ भी, विच एवर, जो कुछ भी, विच सो एवर, किस तरह का या किस प्रकार का, विच टाइप, जो कोई भी, हूएवर, जो कोई भी, हूसोएवर, क्यों, वाई, कैसे या किस तरह से, हाउ कम। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड्स को कैसे ज्वाइन किया जाता है या किस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं या सामने वाले से हम क्वेश्चंस को आस्क करते हैं। तुम कहाँ जाते हो, कहाँ, कहाँ क्या है आपका, WH फैमिली वर्ड है, कहाँ माइंड में आया होगा अगर आपने याद किया है, कहाँ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। वे लड़के ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों, WH फैमिली वर्ड यहाँ पर क्या है, क्यों। राम कहाँ खेलता है, WH फैमिली वर्ड कहाँ। तुम किसके बारे में सोचते हो, WH फैमिली वर्ड किसके बारे में। मैं किससे बात करता हूँ, किससे, WH फैमिली वर्ड। पापा कहाँ से आते हैं, कहाँ। विवेक कितना दूध खरीदता है, कितना दूध, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, थिंक अबाउट दिस। मोहन कब घर जाता है। थैंक यू।